हैव यू एवर वंडर्ड कि एक सीफेरर को डे वन पे कैसा ट्रीटमेंट मिलता है जिस दिन वो ज्वाइन करता है? क्या उसको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेवल करके आया, या फिर उसको बोला जाता है कि जाके काम कर? तो ये चीज़ आपको नहीं बताओगे, राइट? आज की वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को कैसे ट्रीट किया गया था जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था। सो हे गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। माई नेम इज़ शाहनवाज एंड आज की वीडियो में हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। 15th of May 2022 मेरी ज्वाइनिंग की डेट। मैं होटल से वैन में बैठ के जाता हूँ तुजला ड्राई डॉक, जहाँ से मेरी ज्वाइनिंग थी। एंड जैसे जैसे मेरे कदम जा रहे थे जहाज की तरफ, बिकॉज ड्राई डॉक होता है तो आप बहुत बाहर ही उतार दिए जाते हो वैन से, वहाँ से फिर आपको अपना सामान लेके जाना पड़ता है। एंड वहाँ से आप सामान लेके जा रहे हो, जैसे जैसे स्टेप अप कर रहे हो, सीढ़ियाँ होती हैं, ऐसे मतलब अलग अलग जगह बने होते हो उसके हिसाब से आप जा रहे होते हो। तो मैं स्टेप अप कर रहा था, फिर मैंने ऐसे मुड़ के देखा मेरा जहाज उधर खड़ा है, तो वो देख के थोड़ा सा अंदर से मतलब धक धक कर रहा था कि नाउ वी आर गोइंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। ठीक है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है ज्वाइनिंग के टाइम में, बट जब एकदम से ज्वाइनिंग सामने रहता है, एकदम से जहाज आपके सामने रहता है, थोड़ा सा हार्ट बीट आपका फास्ट हो जाता है। तो सेम सीन चल रहा था एंड आई वॉज वेरी क्यूरियस कि क्या होता है डे वन पे एक सीफेरर के साथ। लाइक मेरे को बेसिकली इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आज के टाइम पे आपके पास हो या ना हो आई डोंट नो, बट वही मैं शेयर करूँगा। तो मैं गया, ज्वाइनिंग किया एंड ज्वाइनिंग करते ही हम लोग को रिपोर्ट करना होता है कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ पे हम लोग को सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके कैप्टन को सबमिट करना होता है। एक डॉक्यूमेंटेशन पूरा फेज होता है जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, मेडिकल, पासपोर्ट, CDC एंड सारे ये डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं। आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह भी होते हैं, STCW सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई हुई और ये सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने सबमिट कर दिया कैप्टन के पास। तो ये हुआ डॉक्यूमेंटेशन फेज। उसके बाद मेरे को चीफ ऑफिसर बुलाते हैं एंड बोलते हैं कि ये है तुम्हारा पूरा PPE किट, बॉयलर सूट, हेलमेट, एवरीथिंग वॉट एवर इज नेसेसरी जो हम लोग बाहर जाते टाइम पहनते हैं, PPE सूट पूरा, हार्ड हैट से लेके पूरा सेफ्टी सूज तक। तो सेफ्टी सूज तो मैं खुद लेके गया था, उसको छोड़ के मुझे सब कुछ मिला। ही सेड रेडी होके आ जाओ, रिपोर्ट करो। एंड जिसको मैं रिलीव करने वाला था उसके साथ मुझे जाके पूरा एक जहाज का मतलब पूरा फैमिलियराइजेशन लेना था। एक कैडेट दूसरे कैडेट का फैमिलियराइजेशन करा था, वो सारी चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता मेरे को जो मुझे करना है आगे चल के। तो एक हैंडिंग ओवर नोट्स मिलता है, ठीक है, वो कैडेट मेरे को हैंडिंग ओवर नोट्स पकड़ाता है। उसके बाद पॉइंट वन से लेके लास्ट पॉइंट तक मैं पढ़ पढ़ के समझता हूँ मेरा टाइम टेबल क्या है जहाज पे, स्केड्यूल कैसे मेरे को किया गया है, क्या काम है, कैसे होता है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट काम लिखे होते हैं। बट इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं जो आप जब फैमिलियराइजेशन करते हो तब सीखते हो। तो मैं फैमिलियराइजेशन के लिए चल पड़ा निकल के, मतलब शुरू, यहाँ से काम शुरू है। ठीक है, मैं निकला, मैं जा रहा हूँ, ऑफ हो चुका है सबका। ठीक है, ड्राई डॉक में बेसिकली कैडेट का क्या सीन था, मॉर्निंग 6 to evening 6, 6 PM हो चुका है। तो मैं गया, खाना खाया, बॉयलर सूट पहना एंड बॉयलर सूट पहन के बाहर आ गया। ठीक है, तो फिर मैं बाहर गया, फैमिलियराइजेशन स्टार्ट हुआ। तो जहाज़ के पीछे से फैमिलियराइजेशन स्टार्ट हुआ, एकोमोडेशन नॉर्मली जहाज़ के पीछे ही होता है, तो पीछे से स्टार्ट हुआ। मैं जा रहा हूँ आगे जा रहा हूँ एंड आई वेंट ऑन फोरकासल। फोरकासल अगर आपको नहीं पता है तो जहाज़ का सबसे आगे वाला हिस्सा, तो उसको बोलते हैं फोरकासल, जहाँ पे फॉरवर्ड स्टेशन होता है। तो वहाँ गया मैं, वहाँ पे कुछ बातें हो रही थी दोनों कैडेट्स के बीच में कि उसने 9 महीने काटे हैं। भाई तो छोटी बात तो है नहीं, 9 महीने बहुत बड़ी बात होती है। तो उसने 9 महीने काटे हैं जहाज़ पे एंड वो मेरे को बता रहा था कि कैसे लोग हैं, कैसा काम है, मतलब कितना स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें बता रहे थे। और मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, थंबनेल में भी आपको ये फ़ोटो दिखा होगा, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो जो मैंने जहाज़ पर लिया था खुद से ही। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट फोटो था जहाज़ पे। एंड फिर मैं यहाँ से पीछे देख रहा हूँ एकोमोडेशन की तरफ एंड ये सोच रहा हूँ कि यार इस जगह पे मेरे को 9 मंथ्स काटने हैं, 9 महीने काटने हैं। और लाइक लिटरली अंदर से वो फील आ रहा था कि अब मुझे घर जाना है, एकदम आलिया भट्ट वाली फीलिंग आ रही थी, मुझे घर जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ थोड़ी बहुत बातें हुई, उसके बाद अब वो कैडेट है कि उसको अब घर जाना है कर। एंड हम लोग ड्राई डॉक में, ड्राई डॉक में आपका सोरलीप बहुत ईजी होता है, उसको सोरलीप पे भी जाना था कि हाँ चलो कल घर जाना है, तो आज फाइनल लास्ट सोरलीप पे जाते हैं। ठीक है, फिर मैं ऑफ हो गया था तो अपने कैबिन में।
और वहाँ जाके मैं सोया हूँ और सीधा सुबह मेरे को रिपोर्ट करना था 6 बजे मेरे को जाके फ्रेश वाटर साउंडिंग वो सब लेना सीखना था, तो मैं गया फ्रेश वाटर साउंडिंग लेना सीखा, ये सब चीज़ें रात भर सोया हूँ बिकॉज रात भर ऑफ था, तो उस टाइम ऑफ मिला था। जब फैमिलाइजेशन ओवर हो गया था आई रिपोर्टेड चीफ ऑफिसर कि हाँ मेरा कैडेट ने फैमिलाइजेशन करा दिया, फिर वो जा रहा है बाहर एंड मैं अपने कैबिन में गया वहाँ पर जाकर सोया और सुबह सीधा रिपोर्ट किया काम के लिए। एंड वहाँ पर वो कैडेट भी था जिसको साइन ऑफ करना था एंड वो जस्ट वहाँ पर आया एंड वी थैंक्ड हिम फॉर हिज वर्क एंड फिर वो वहाँ से चला गया एंड उसका जितना भी जिम्मेदारी था जो भी था सब मेरे ऊपर। एंड चीफ ऑफिसर सेड हे इज़ अ न्यू कैडेट फर्स्ट टाइम ऑन सेप, तो इसके ऊपर एक नज़र हमेशा होनी चाहिए, इसके साथ ये कहीं अकेले नहीं जाएगा, किसी भी जगह जहाज़ की किसी भी जगह पे ये अकेले नहीं जाएगा, इसके साथ ही रहेगा। तो हम लोग के सिप पे नॉर्मली क्या होता है, 2 कैडेट होते हैं, तो मैं बस कैडेट के पीछे पीछे, जो मेरा सीनियर कैडेट था उसके पीछे पीछे उसी से सीख रहा हूँ सब चीज़ें, पेंट कैसे बनाते हैं सब कुछ नॉर्मली लाइक A to Z, ठीक है, सब सीखा मैं उससे। और एक महीने बाद लाइक जब मेरे को सब कुछ आ गया, स्टार्टिंग में आया उस फीलिंग की यार क्या कर रहा हूँ मैं जहाज़ पे, मेरे को कुछ नहीं आता था, हर चीज़ के लिए हेल्प मांगनी पड़ रही है, तो वो एक फेज होता है फर्स्ट मंथ, ठीक है। एंड उसके बाद जब एक महीने बाद सब सीख गया तो एवरीथिंग वॉज फाइन। और फिर मैंने उस जहाज़ पे 9 महीने नहीं 10 महीने निकाले, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 10 मंथ्स ऑफ माई सेलिंग और सिर्फ 8 महीने बचे। तो दिस इज हाउ वी गेट ट्रीटेड ऑन बोर्ड ऑन Day 1। आप जाते हो, अगर आपका वर्किंग आवर है, कोई भी कैप्टन ऑफिसर कैडेट इंजीनियर्स कोई भी हो क्रू भी हो, अगर आपका वर्किंग आवर आ गया है तो आप जाके जो आप रिलीवर रहेगा उसके साथ ही रहोगे, वो जो काम करेगा उसमें उसको हेल्प करोगे। तो ऐसे होता है Day 1 सबके लिए, जहाज पे हर क्रू के लिए। आपको कोई वो नहीं कि यार इतना ट्रेवल करके आया है चलो इसको सोने देते हैं ये सो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। द टाइम यू स्टेप अप ऑन द सिप आपका काम शुरू, ठीक है, बॉयलर सूट डालो आ जाओ, ये होता है Day 1 ऑन बोर्ड। सो दिस वॉज माई Day 1 ऑन बोर्ड। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे ऊपर दया आया होगा उस टाइम को सोच के तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर आपको और जानना है लाइक जहाज की जिंदगी और कुछ भी तो जस्ट पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, ऐसा ही वीडियो एक उस पर आपको मिल जाएगा। एंड ऐसे ही वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरा कोई वीडियो मिस ना हो। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।